राधे राधे दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं मथुरा से वृंदावन की ओर। हम सभी होटल से नहा धोकर वृंदावन के दर्शन के लिए होटल से बाहर निकल रहे हैं। तब हमने देखा कि अभी सुबह 7 ही बजे हैं और इतना सारा कोहरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सारी लाइटें जली हुई हैं। कोहरा को प्रणाम करते हुए हम जा रहे हैं वृंदावन। हमारा पूरा परिवार ऐसा पैक है, अगर इन्हें ब्लैंकेट मिल जाता तो वो भी अपने ऊपर डाल लेते हैं। यहाँ से हम ऑटो पकड़ करके वृंदावन की ओर जाने लगे। लगभग 1 घंटे का रास्ता है और हम पहुँच भी गए वृंदावन। यहाँ से बांके बिहारी के मंदिर जाने के लिए पैदल जाना पड़ता है। यही एक रास्ता है जहाँ पे स्लीपर उतार कर ये लोहे के रास्ते बने हुए हैं। लगभग 900 मीटर दूर हम अपने स्लीपर उतार के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए हम पैदल चलते जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेठे की दुकान भी लगे हुए हैं। और फाइनली हम बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए पहुँच गए हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउडेड है दर्शन के लिए। बोलो बाके बिहारी की जय। हमने बाके बिहारी के दर्शन के लिए लास्ट वाले गेट से एंट्री किए थे, तो हमें जो एग्जिट मिली वह आउटसाइड मिल गई, इसलिए हम खाली पैर कई किलोमीटर पैदल चलते जा रहे हैं और बहुत सकरी गलियां हैं और हम लोग गुम हो गए हैं। किसी से भी पूछ रहे हैं, कोई सही रास्ता बता ही नहीं पा रहे। इवन हम कौन सी गली में पहुँच गए हैं यदि आपको पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। खाली 2 घंटे पैदल चलने के बाद फाइनली वह शॉप मिली हमें, जहाँ पे हमने स्लीपर उतार के बांके बिहारी का दर्शन करने गए थे। यह एंट्री गेट है बांके बिहारी के लिए। हम दर्शन करके आ गए हैं, पर हमारे दर्शन करके आने के बाद तो देखा तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। यह मंकी है जो बहुत ही शैतानी करते हैं। देखो, ये किसी का चश्मा ले गया। और यहीं पास कुछ बच्चे भी हैं जो उस कह रहे हैं कि हमें 200 रुपये दे दो तो हम मंकी से वो चश्मा उतरवा लेंगे। इस तरीके से बहुत सारे मंकी मिलते हैं जो टोपी कहीं वो निकाल लेते हैं, चश्मा निकाल लेते हैं। तो आप इन मंकियों से जब भी आएँ बांके बिहारी दर्शन करने तो सावधान जरूर रखें, नहीं तो आपके पर्स भी गायब हो जाते हैं। निधिवन के पास ही ये होटल है जहाँ 80 रुपये भरपेट थाली भोजन मिलता है गर्मा गर्म, तो यहाँ पे आप पेट पूजा भी कर सकते हैं। निधिवन में बंदरों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंदर फोन कभी भी किसी का भी छीन लेते हैं। हम प्रेम मंदिर के ओपन होने का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत पहले पहुंच गए हैं। तो आप प्रेम मंदिर का क्राउड देख सकते हैं जो दर्शन के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। आप अपने